आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर रोड के नगला पद्म में 15 अप्रैल से 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मंगलवार को क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय शील गौतम ने महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी दी। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर रोड के नगला पद्मा में 15 अप्रैल से 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मंगलवार को क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय शील गौतम ने भीम नगरी के कार्यक्रमों की जानकारी दी। बहुत जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। भीम नगरी 2022 नगला पद्मा नगला विधिचंद के लिए सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मीडिया बंधुओं का भी आशीर्वाद मिल रहा है। 14 अप्रैल को प्रातः 7 बजे यहाँ पर भगवान बुद्ध की त्रिशरण पंचशील से कार्यक्रम शुरू होगा, मेला होगा। मेले में शाम को केंद्रीय कमेटी भीमनगरी वालों का जो हाथी है वो 14 अप्रैल को शाम को यहाँ आएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। 15 तारीख को मुख्य अतिथियों के उद्बोधन और भीम नगरी का उद्घाटन कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। का जो आयोजन है वो नगला पद्मा और विधिचंद में हो रहा है और ये जो भीम नगरी का प्रोग्राम होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। इस बार ये प्रोग्राम हमको मिला है और हम लोग पूरी जोर शोर से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमको सबका सहयोग मिल रहा है और जितना भी हमारे जो लोग हैं हमारे साथ वो सब लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव समिति के महामंत्री आनंद कुमार ने बताया कि भीम नगरी का उद्घाटन 15 अप्रैल को होगा, 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन और 17 अप्रैल को सम्मान समारोह होगा। भीम नगरी कमेटी के महामंत्री, इस समय 2022 में भीम नगरी का आयोजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, एक अलग तरीके से और काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय कमेटी की जो हाथी निकलेगा वो 15 तारीख को यह सुबह आएगा और इस भीम नगरी में एक नए ढंग से इस भीम नगरी के लिए चित्र बनाए जाएंगे जिसमें कि बाबा साहेब के बारे में दर्शाया गया है। सबसे पहले तो मैं भीम नगरी 2022 को सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और हमारा जो कार्यक्रम है हम महिलाओं का, तो हमारा जो मेन मकसद रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, जिससे कि जो बाबा साहब ने हम सब लोगों के लिए इतना जो किया, जो कार्य किए, जो कि हमें महिलाओं तक कैसे पहुंचाने, कैसे हमें संदेश देना है। जैसे कहते हैं कि जिसे किसी प्रचार के लिए, जैसे किसी पौधे को हमें लगाया जाता है पौधे के लिए और एक विचार के लिए, एक प्रचार और प्रसार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक पौधा होता है पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही विचार को भी एक प्रचार की जरूरत पड़ती है। 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।